उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने 55 साल के सियासी सफर में मुलायम सिंह यादव ने देश की राजनीति पर जो छाप छोड़ी है उसे लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि मुलायम सिंह एक ऐसे समाजवादी नेता रहे जो सियासी तौर पर भले ही विरोधियों के दुश्मन रहे हों, लेकिन विरोधियों के लिए अपने मन में कभी कोई नफरत नहीं रखते थे। तभी तो भरी लोकसभा में उन्होंने अपने सियासी विरोधी नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया था। ये भी चाहता हूँ हम लोग तो इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। अपने विरोधियों को भी जीत का आशीर्वाद देने वाले मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता के लिए भला किसके मन में सम्मान नहीं होगा। यही वजह है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद तमाम सपा नेता ही दुखी नहीं है, बल्कि बीजेपी नेता भी इस कदर दुखी हैं कि मध्य प्रदेश में तो मुलायम की याद में बीजेपी विधायक की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। और आज मैं जहां पर भी हूं उसमें नेताजी का अमिट आशीर्वाद है जिसको मैं विस्मृत नहीं कर सकता। भरे मंच पर फूट फूट कर रो रहे ये नेता हैं शिशुपाल सिंह यादव, जो मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है। उनके विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में दरअसल कुछ ही दिनों पहले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां बीजेपी विधायक शिशुपाल सिंह यादव को भी बुलाया गया था। इसी श्रद्धांजलि सभा के दौरान जब विधायक शिशुपाल को मुलायम सिंह के बारे में बोलने का मौका मिला तो वो माइक पकड़ते ही इतने भावुक हो गए कि बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और लगे वो फफक फफक कर रोने। इस दौरान मंच पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से उन्हें संभाला। ऐसी बहुत सारी नजीरें देश में जो मुलायम सिंह द्वारा स्थापित की गई हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। इसके साथ साथ मेरा नेताजी से 1996-97 से लेकर के और अभी कुछ महीने पहले तक का रिश्ता रहा, और आज मैं जहां पर भी हूं उसमें नेताजी का अमिट आशीर्वाद है जिसको मैं विस्मृत नहीं कर सकता। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। दरअसल बीजेपी में आने से पहले शिशुपाल यादव समाजवादी पार्टी में थे और साल 2018 में सपा के सिंबल पर मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे, जिसमें वो कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह राठौर से हार गए थे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे बृजेश सिंह राठौर के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इस सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले शिशुपाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2021 में पृथ्वीपुर विधानसभा से बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ते हुए जीत कर शिशुपाल यादव विधायक बन गए। आज वो भले ही बीजेपी में हैं, लेकिन सपा नेता मुलायम सिंह यादव को नहीं भूल पाए, उन्हें याद कर भरे मंच पर रोने लगे। और अभी कुछ महीने पहले तक का रिश्ता रहा, और आज मैं जहां पर भी हूं। बहरहाल आपको बता दें, लंबे समय से बीमार चल रहे मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में हो गया था। 11 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता को मुखाग्नि दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनकी अस्थियां हरिद्वार के VIP घाट पर गंगा में विसर्जित की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव परिवार के साथ पिता की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए खुद 17 अक्टूबर को हरिद्वार जाएंगे।